तो देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है वह आरेख सुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है तो किस किस का संबंध का सही निरूपण करना है तो पौधे दिया है मनुष्य दिया है श्वसन दिया है तो इसको थोड़ा सा दोस्तों आप सोचेंगे श्वसन श्वसन क्रिया कौन करता है मनुष्य भी करता है और पौधे भी करते हैं तो क्या होगा दोस्तों इसका कैसा फिगर बनेगा तो श्वसन क्रिया एक ऐसे हो जाएगा और इसके अंदर क्या आ जाएगा मनुष्य भी आ जाएगा और पौधे भी आ जाएगा तो फिगर इस टाइप से आपका कौन दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एक बार और आपको समझा दू आपको सोचना है श्वसन क्रिया कौन करता है दोस्तों मनुष्य भी करते हैं और पौधे भी करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे श्वसन क्रिया वाले एक वर्ग बना देंगे यानी कि वृत्त बना देंगे इसके अंदर मनुष्य को भी रख देंगे और इसी के अंदर क्या रख देंगे पौधे को भी रख देंगे इस प्रकार से इमेज कौन बन रहा है तो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे सोच के सॉल्व कर लेंगे